सब्सक्राइब करें हमारे आयुर्वेदिक उपचार चैनल को और बेल आइकन को दबा दें हमारे नया अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेदिक उपचार चैनल में। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं बैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाई गई अश्वगंधा ऋषि सिरप का। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसका उपयोग हमने किन किन रोगों में करना है और इसका सेवन किस तरह हमने करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके सबसे पहले लाभ के बारे में। दोस्तों, अगर इसके लाभ की बात की जाए तो इसके सेवन से मूर्छा, स्त्रियों का हिस्टीरिया रोग, दिल की धड़कन, बेचैनी, मन की घबराहट, मन में भ्रम पैदा होना, याददाश्त की कमी, बहुमूत्र यानी कि बार बार पेशाब आना, मंदाग्नि, बवासीर, कब्जियत, सिर दर्द, काम करने में मन न लगना, नस नाड़ियों की दुर्बलता, हर प्रकार की कमजोरी, बुढ़ापे में जो व्यक्ति सुस्त रहते हैं इत्यादि रोगों को दूर कर बल को बढ़ावा देता है। साथ ही वीर्य, कांति एवं शक्ति की वृद्धि भी होती है। प्रसूता स्त्रियों की कमजोरी इससे बहुत जल्दी दूर होती है। दोस्तों, दिमाग की कमजोरी और विकृति को दूर करने के लिए अदरक भस्म सुबह शाम शहद के साथ और भोजन के बाद ये दवा लेने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। दिमागी मेहनत करने वालों को अश्वगंधा ऋषि हमेशा लेना चाहिए। ये मानसिक थकावट को भी दूर करता है, नस नाड़ियों की कमजोरी जो है उसको भी दूर करता है, साथ ही स्फूर्ति पैदा करता है और दिमाग को तरोताज़ा बनाता है, जिसके कारण दोस्तों थकावट महसूस नहीं होती है और साथ ही दिमाग को पुष्ट करने वाली ये बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों, अगर इसके हम घटक की बात करें तो इसमें अश्वगंध, मूसली, मंजीट, हर्रे छाल, हल्दी, दारू हल्दी, मुलेठी, रासना, बिदारी कंद, अर्जुन छाल, नागर मोथा, काली और सफ़ेद दोनों सारीवा, सफ़ेद और लाल चंदन, बच, चित्रक मूल इत्यादि का मिश्रण है। दोस्तों, अगर इसके सेवन विधि की बात की जाए तो 3 ढक्कन दवा 3 ढक्कन पानी मिलाकर सुबह शाम भोजन से आधा घंटा बाद लेना बहुत ही अच्छा लाभ पहुँचाती है। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।